परिंदों का शौक रहते हैं। आइए हमारे साथ अंदर आइए। ये जी हमारे पास सिल्वर का पेड़ है। ये अभी इनका ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होने वाला है, तकरीबन ये नेक्स्ट वीक तक या उसके अगले वीक तक स्टार्ट हो जाएंगे अंडे देना। ये एक और सिल्वर का पेड़ है, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल काम करता रहा, इस बार फिर इनका अभी कुछ दिन बाकी है, ये स्टार्ट हो जाएंगे। ये लेडी का पेयर है, ये अभी पट्ठे हैं। ये नीचे लेडी एम्ब्रेड का एक है, ये पूरा पेयर है, इंशाल्लाह ये भी जल्द ही ब्रीड स्टार्ट करेंगे। आए आपको और शौक दिखाते हैं अपना। आए जी इनको गोल्डन का थोड़ा सा शौक करवाते हैं। ये हमारे पास गोल्डन एक पेयर है, ये नया है। हमारी कोशिश ये है कि ये काम करना शुरू कर दें, गोल्डन लेडी एम्ब्रेड। आओ ये आगे दिखाते हैं। ये हमारे पास सिल्वर के पट्टे और भी पड़े हुए हैं। ये एक तितली है, अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रॉस हो रही है अभी, इंशाल्लाह जल्दी ये अंडे देना स्टार्ट हो जाएगी। इनको थोड़ा सा कबूतरों का भी दिखाएं, कबूतर दिखाएं इनको थोड़ा सा, ये पूरे दिखाएंगे पट्टे छट्टे। ये है जी हमारे पास एक ये पेयर है, ये नया पेयर हमने खरीदा है, इंशाल्लाह ये भी ओके की रिपोर्ट देगा। आएंगे तो आगे और शो दिखाते हैं, उसका भी बताएं ज़रा। ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये क्रॉस कर रहा है, जल्द ही जो है ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। आएंगे इनको आगे शो दिखाते हैं। पहले इनको ये थोड़ा सा देसी मोड में फैंसी दिखा दें, ये फैंसी थोड़े से बर्ड्स हैं। ये जी फैंसी आए जी, अंदर आ जाए, बंद करें इसको, कोई ये जी कॉकटेल के पेड़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये अंडों पे लगे हुए हैं। ये एक ऊपर पेड़ है येलो में, ये भी जो है लगे हुए हैं ब्रीड पे लगे हुए हैं। ये हमने नए लिए हैं रा, ये अभी पट्ठे हैं तकरीबन डेढ़ डेढ़ साल के। ये एक फिशर हमने कल परसों पकड़ा है, और इसके लिए अभी हमने एक मादी लानी है और छोड़ देना। ये दरवाज़ा खोल के बता दें ऊपर से। ये जी हमारे पास पट्ठे चेक करें।